यहाँ पे आप कृष्ण और रुक्मणी को बैठे हुए देख रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, हमारे सोसाइटी में हो रहा था भागवत कथा, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो क्लिप्स मुझे मिले मैं वो लेके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ वहाँ नहीं जा पा रही थी। जो भी मेरे पास क्लिप्स थे वही सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से हुआ, 7 दिन तक ये भागवत कथा चला। मैंने पहली बार सामने से देखा है, वैसे मैंने सिर्फ मंदिरों में सुना है और मैंने कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पे एक एक प्रोसेस मुझे देखने को मिला। और शुरू में आपने देखा आशी जो है वो कृष्ण बनी हुई थी, आगे मैं सब दिखाऊंगी बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कलश यात्रा होती है, तो ये कलश लेके लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं तो नहीं हूँ इसमें, क्योंकि इस समय मैं इतना कुछ नहीं कर पाऊंगी, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे ऐसे कलश लेके सब निकल रहे थे और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। करीबन 35 to 40, अराउंड 50 होंगी सारी लेडीज़, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे से हुआ था। पहली बार मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को पता है, तो ज़रूर बताइएगा। मैंने तो पहली बार सामने से देखा है, मैंने सुना है मंदिरों में, देखा भी है दूर से, बट एक एक जो सारे जो जितने इंसिडेंट वगैरह होते हैं, जितना भी इसमें हो रहा है सब कुछ, वो सब चीज़ मैंने सामने से नहीं देखा था। ये पहली बार मैंने देखा है, पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आशी को भी एक मौका मिला था कृष्ण बनने का, तो उसे भी मुझे तैयार करने में बहुत मज़ा आया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आशी और मेरा, मैंने शाम में किस तरह से तैयारी की थी, वो भी थोड़ा बहुत शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे कलश लेके सब जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे कलश रखा जाता है। तो ये जो है ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसे दिया गया था राम का अवतार, तो वो राम के अवतार में अच्छे से प्रिपेयर होके आया था। तो जैसे जैसे कथा चलती जाती है उसके हिसाब से लोग पोर्ट्रे करते हैं, इस तरह से तैयार होते हैं। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ होती हैं, यहाँ पे भजन कीर्तन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये राम जी है जो आ रहे हैं, उसके बाद वामन अवतार, इस तरह से आगे चलती जाएगा कथा, बढ़ती जाएगी सारे कुछ। बहुत ही मज़ा आया था। और भी सोसाइटी में इसके बाद फिर एक बार और होने वाला है, तो ये वाला तो आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा, ये काफ़ी छोटा सा बच्चा है, 5 से 6 साल का बच्चा होगा, और ये राम के अवतार में, और देखने में बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका नाम अवी है, तो हमारे सोसाइटी में ही रहता है ये। इसके बाद ये है वामन अवतार, तो ये जो छोटा सा बच्चा है ये वामन अवतार बना के रूप में, वामन जी के रूप में इसे तैयार किया गया था, तो आप देख सकते हैं। तो हर रोज़ शाम के 4 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये जो कथा है ये सब चलती रहती थी। सुबह पूजा वूजा होती रहती थी, तो जिनको जैसे टाइम मिलता था वो जाते थे, क्योंकि हर लेडीज़ अपना अपना काम निपटा के करके जाती थी। तो सोसाइटी में एकदम धूमधाम थी। और यहाँ पे जो है गर्मियों की छुट्टी हो गई थी, तो बच्चे भी पूरे इंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो ये जो है ये बच्ची छोटी सी, ये 6 से 8 महीने की बच्ची है छोटी सी, और ये इतना इंजॉय कर रही थी। नॉर्मली ये रोने लगती है, बट ये इस तरह से इतना इंजॉय कर रही थी, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब मैंने नहीं लिया है, इस वजह से इस तरह से ये पोर्ट्रेट मोड में है सारा कुछ, तो मैंने जो लिया है वो मैंने अच्छे से लिया है। तो ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची, ये कृष्ण अवतार, कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन। एक एक दिन करके ये सब होते जा रहा था, एक दिन कृष्ण जी का जन्म हो रहा था, एक दिन कृष्ण जी की शादी हुई, एक दिन कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन हुआ, इस तरह से ऐसे करके वो करते जा रहे थे। तो यहाँ पे ये कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, और आप देख सकते हैं ये बच्ची जो है, ये लड़की है, ये बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, बिल्कुल रो नहीं रही थी। नॉर्मली ये रोने लगती है, बट ये उस दिन बिल्कुल रो नहीं रही थी। तो सारे लोग आरती कर रहे हैं, पैसे देते हैं, माला पहना रहे थे, और बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ भी बहुत सुंदर सुंदर आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, इतना अच्छा लग रहा था। अगर मैं हर दिन तो नहीं जा पाई थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया था। अगर आपके सोसाइटी में या फिर आसपास कहीं होता है तो बिल्कुल जाइए, जाइए और सुनिए, अच्छा होता है ये सब। अब यहाँ पे कृष्ण का जो बाल रूप है वो दिखाया जा रहा है, कृष्ण को मटकी फोड़ते हुए। तो क्लिप थोड़ा आगे पीछे है, तो यहाँ पे जो कृष्ण जी बने थे बाल रूप में,
तो वो जो है सारी जो शैतानियाँ करते थे, मटकी फोड़ना, माखन चोरी करना, खाना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो ये देखिए, ये छोटे से कृष्णा जी जो आ रहे हैं बन के, तो यहाँ पे बाल रूप है। और इसके बाद जो था अद्विका का, यानी कि आशिका था, जिसमें कृष्ण और रुक्मणी की शादी करनी थी, तो अद्विका को कृष्ण के रूप में चुना गया था, क्योंकि अद्विका जो है वो लंबी है, जितने बच्चे हैं उतने में लंबी है, और अद्विका अपने एज के हिसाब से उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी लंबी है, वो कोई भी उसे देख के नहीं बोलता है कि वो 10 ईयर्स की है। तो इस वजह से उसे कृष्ण का रोल मिला। पहले वो सोच रही थी मुझे रुक्मणी मिलता तो अच्छा लगता, बट जब वो तैयार हो गई, सारे कॉस्ट्यूम वगैरह जब उसने अच्छे से पहन लिया, तो उसे बहुत अच्छा लगा। और सेम डे पे इम्पोर्टेंस बहुत मिलता है, सारे लोग पूजा कर रहे होते हैं, आपको पैसा दे रहे होते हैं, फोटो क्लिक हो रहा था, आप बीच में सेंटर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने होते हैं। तो ये देखिए अद्विका, तो पहले इन्हें सोसाइटी में घुमाया गया था, जैसे कृष्ण की बारात निकाली गई थी, तो वो तो क्लिप मेरे पास नहीं है। यहाँ पे इनको अंदर लाया जा रहा है, तो यहाँ पे कृष्ण है और यहाँ पे रुक्मणी है। अब इन दोनों का विवाह कराया जाएगा, तो अद्विका को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी ये सारी चीज़ें करने में, लेकिन वो इन्जॉय भी कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि बच्चों को जब इम्पोर्टेंस मिलता है, सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, तो उनको तो मज़ा आता ही है। वरना अद्विका जो है इतनी सारी चीज़ें पहन के वो इरिटेट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जयमाल होता है वो हो चुका है। अब फोटोग्राफर बोल रहे हैं कि चलो फोटो लेना है, तो अद्विका को समझ में नहीं आ रहा था कि माला पकड़ के कैसे लेना है, क्या करना है। और जो रुक्मणी बनी है वो एक्चुअली अद्विका से बड़ी है एज में, बट अद्विका की हाइट ज़्यादा है, इस वजह से उसे कृष्ण बनाया गया था। तो अद्विका बहुत खुश थी यहाँ पे। तो आप देखिए और ये इंजॉय कीजिए इस तरह से। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है वो भी लिया हुआ है, ताकि ये यादगार रहे। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब बाद में अद्विका बड़ी हो जाए तो भी उसे ये सारी चीज़ें दिखे, तो वो देखे और खुश हो। और ये जो कॉस्ट्यूम था, ये हमारे सोसाइटी में ये जो लोग हैं वो उन्होंने ही अरेंज किया था। कॉस्ट्यूम को मैंने पहनाया था अच्छे से, उसे पिन लगा लगा के अच्छे से टाइट किया था। और जो मेकअप है, सारा मेकअप मैंने खुद से ही किया था। एक दो वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद मैंने मेकअप किया था, जितना मुझसे हो पाया वो मैंने उस तरह से ऐसे तैयार किया था। तो इस तरह से बाकी बच्चों को भी बोला गया था कि आप भी तैयार होके आ सकते हो, तो बाकी सारे बच्चे भी जो थे, सारे लोग तैयार होके आए थे। मेन अद्विका का और जो साथ में थी उसका नाम एंजल था, वो रुक्मणी बनी हुई थी। इन दोनों का मेन रोल था उस दिन का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटी हॉल बोलते हैं वो है, और इतने सारे लोग थे, बहुत लोग रहते थे, बहुत मज़ा आता था। स्पेशली सारे लेडीज़ जो होते थे वो शाम में पहुँचते थे, और सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते थे, बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस तरह के पूजा पाठ में बहुत अच्छा लगता था। तो अभी फिर से स्टार्ट होने वाला है इस तरह से, जिनको ये लोग बोलते हैं तैयार होने करने, वही लोग ये सब करते हैं। हमें पता नहीं था कि अद्विका को ये बोलेंगे भी, लेकिन इन्होंने बोला कि अद्विका को वो कृष्ण बनाएंगे, तो अद्विका बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ, हमारे सोसाइटी में बच्चे हैं, फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल से बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ही कुछ कुछ वीडियो वगैरह सेंड किया था हमें, तो उसे ही मैंने एक साथ रख के सब करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस था, आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए ये फ़र्स्ट टाइम होगा जो इस तरह से देखेंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया। अगर आप भी आसपास कहीं सुनते हैं कि भगवत कथा हो रही है, तो आप ज़रूर जाइए वहाँ, बहुत मज़ा आएगा। हर दिन अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये रुक्मणी और कृष्ण का विवाह यहाँ पे हो चुका है। अद्विका को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और वो हंसे जा रही थी, और जो फोटोग्राफर थे वो अलग अलग उसे बोल रहे थे इस तरह से देखना है, इस तरह से करना है। और अद्विका की टोपी जो थी, जो ऊपर उसका मुकुट था, टोपी नहीं मुकुट, वो काफ़ी बड़ा था, वो बार बार गिर जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये देखिए इस तरह से सारी चीज़ें होती गई और काफ़ी मज़ा आता गया। इसके बाद यहाँ पे कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट दिन जो है तुलसी वर्षा हुई। तुलसी वर्षा के बाद भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया, खाना पीना खिलाया गया,
तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम जो है वो चलता रहा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बार बार मैं एक ही वर्ड बोली जा रही हूँ, मज़ा आ रहा था, बट सही में मज़ा आ रहा था। तो इस तरह से सारा कुछ हुआ। इसके बाद ये जो है, ये अद्विका के कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे जो तैयार होके नहीं आए थे, जो साइड में खड़े थे। ये सारे लोग पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत लोग थे। और गर्मी भी थी, इस वजह से बहुत लोग बाहर भी थे कम्युनिटी हॉल के, और बहुत लोग अंदर भी थे। तो इस तरह से सारा प्रोग्राम होता गया। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक दो पिक जो है वो शेयर की। बहुत तैयार मैं होके नहीं गई थी, हल्का फुल्का ही मैंने तैयारी की थी, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी भी लग रही थी। मुझे साड़ी पहनने का मन था, बट कुछ भी ब्लाउज़ जो है वो मुझे फिट नहीं हो पा रहा था, तो मैं बहुत हल्के फुल्के ही तैयार होके गई थी। अद्विका को तैयार करने में बहुत टाइम लग गया था। 5 बजे से स्टार्ट करते करते मैंने करीबन 6:30 7 हो चुका था। अब यहाँ पे कृष्ण और सुदामा का मिलन दिखाया जा रहा है। तो हर दिन कृष्ण का जो रोल था, जैसे जन्म लेने के बाद फिर बाल रूप, फिर विवाह, फिर उसके बाद युवा अवस्था, तो इस तरह से जो अलग अलग रोल अलग अलग लोग प्ले कर रहे थे, इस वजह से और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था। क्योंकि हर दिन एक्साइटमेंट ये होती थी कि कौन किस तरह से तैयार होके आने वाला है, किस तरह से वो अपने रोल को पोर्ट्रे करने वाला है, दिखाने वाला है। तो बहुत मज़ा आता था देखने में। तो हर दिन अलग अलग लोग बन के आते थे, तो ये सारी चीज़ सारे लोग इन्जॉय करते थे। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा दिन हो बीता। 6-7 7 दिन का ये चला था प्रोग्राम, पूरा संडे से संडे तक का। तो इसके बाद मैंने सारे को एक साथ कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करके मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि ये जो है आपको भी इस तरह से देखने को मिले। इसके साथ ही मेरे पास भी ये यादें रहें, क्योंकि हमारा जो है जॉब ट्रांसफ़र वाला है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हम यहाँ पे थे, तो इस तरह से हमने इन्जॉय किया था। तो कृष्ण और सुदामा का जो मिलन होता है वो यहाँ पे टोटल दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे से किया हुआ था ये भी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये है हमारे सोसाइटी में भगवत कथा, और इस तरह से होता गया। तो अभी आप इन्जॉय कीजिए इसे। अब लास्ट में तुलसी विवाह और तुलसी वर्षा कराया गया था। उसके बाद फिर भजन कीर्तन करके ये जो भगवत कथा था ये समाप्त हो जाता है। तो आई होप अगर आपने कभी भगवत कथा नहीं सुना हो तो आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे, आपको मज़ा आया होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको मज़ा आया है, आपने इंजॉय किया है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट।